तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बढ़िया से इंटरेस्टिंग से रिक्वेस्ट वाले कंपैरिजन वीडियो में। मैं हूं राहुल और ये रवि। बिल्कुल दोस्तों, और आप लोगों की रिक्वेस्ट और हम पूरी नगर ऐसे हो सकता है, बिल्कुल है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है बट जरूर पूरी करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरफ है विलियम लॉसन्स, दूसरी तरफ है 100 पाइपर्स। ठीक है, दोनों ही अपने अपनी स्मूथनेस के लिए जानी जाती हैं। ये आती है अपने पिनोट रिकॉर्ड से, हाँ, और ये आती है बकार्डी से। बिल्कुल ठीक है, दोनों बड़े बड़े ब्रांड है। बकार्डी के पास भी बहुत सारे ब्रांड है उसके अंडर, उधर वो क्या कहते हैं 100 पाइपर्स भी पर्नोरिका एक काफी बड़ा ब्रांड है। अच्छा खासा कंपटीशन देने वाले ब्रांड है दोनों मार्केट के अंदर। एग्जैक्टली ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए, ज्यादा पकाते ना हुए हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के बारे में डिटेल्ड में ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। दोनों अवेलेबल है, चैनल में जाके देखना, हिस्ट्री पता चलेगी और किस तरीके से पूरा बना, तैयार हुआ, तरीका क्या था, सब कुछ मिलेगा उसमें। बिल्कुल, और चखना तो मिलेगा ही मिलेगा, बढ़िया क्यों। बिल्कुल, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पोर करता हूँ 100 पाइपर। मैं पोर कर लेता हूँ विलियम लॉसन्स। तो ये आ गई विलियम लॉसन्स और उधर है 100 पाइपर। चलो पोर करते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल नई बोतल है, राहुल सिर्फ कंपैरिजन के लिए नई लेके आया है, प्लस इसको खरीदने में मेरे को नहीं लगता राहुल को दुख या दर्द हुआ होगा। नहीं भाई, ऐसी चीजों में दुख या दर्द के वाली दुख दर्द और पीड़ा नहीं होती भाई। हाँ, अच्छी है दोनों की दोनों। हाँ यार, कलर में तो एक ही जैसी लग रही है। अभी क्यों बता रहे हो, रिव्यू में कुछ बताने के लिए छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे मैं फैलाया मत करो तुम भाई, सीख रहे। तो भाई सारे कंटेंडर्स आ चुके हैं। ये विलियम लॉसन मैं ले लेता हूँ, ये मेरी आ गई 100 पाइपर्स, ये आपकी विलियम लॉसन, ये आपकी 100 पाइपर्स। तो अंदर दोनों 100 पाइपर्स है, बाहर दोनों विलियम लॉसन। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू विलियम लॉसन से। चलो, ये है विलियम लॉसन और कलर वाइज देखा जाए थोड़ी सी डार्क है, कॉपरिश कलर है इसका, है ना, थोड़ा सा। और वहीं अगर हम 100 पाइपर्स उठा लें तो पेल येलोइश कलर है ना। यस, है ना, पेलिश येलो कलर है और बहुत ही अच्छा कलर है इसका। हाँ, 100 पाइपर का निखरा हुआ कलर है। हाँ, अब जरा नोजिंग करते हैं। खुल गई बहुत ज्यादा। बिल्कुल स्कॉच वाली जो नोजिंग होती है ना, वही नोजिंग है इसकी जो होनी चाहिए। हमने बताया था फ्रूटी, नटी फ्रूटी, थोड़ा सा बटरी टेक्सचर। बिल्कुल, हाँ, मजेदार है विलियम लॉसन। हमें जैसे कि पहली बार भी पिया था तो एकदम मजा आ गया था उसको, मजा आ गया था नोजिंग में भी, मजा आ गया था भाई। चलो ये भी करते हैं। ओके, 100 पाइपर्स। इसकी नोजिंग बिल्कुल उसकी नोजिंग से डिफरेंट है। दोनों स्मूथ हैं। हाँ, ये एक नॉच थोड़ी ज्यादा ऊपर है ये वाली ना विलियम लॉसन ना, मेरे को थोड़ा सा मजा आया इसमें। ज्यादा ज्यादा फ्रूटी, ज्यादा नटी आपको फील होगी। बिल्कुल, ये भी फ्रूटी है बट ये काफी मेलो है कंपेयर टू विलियम लॉसन। कम अरोमा है, ये थोड़ी फ्रूटी है, वो थोड़ी नटी है ये वाला, इसमें थोड़ा फ्रूट्स वाले फ्लेवर लग रहे हैं। हाँ, इसमें ड्राई फ्रूट्स और नटी थोड़ा आपको ज्यादा अच्छा फील हो जाएगा। और ये मतलब नॉर्मल है, मतलब इसका बहुत ही नॉर्मल सी इसकी नोजिंग है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। विलियम लॉसन की नोजिंग इससे ज्यादा बेटर है। है, बिल्कुल है। कौन सी ट्राई करोगे अब? टेस्ट विलियम लॉसन करते हैं मेरे टेस्ट। चलो जी, इसे स्टार्ट करते हैं। चीयर्स जी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर, नटी फ्रूटी और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कहूंगा एप्पल का। हाँ, आपको फील होगा इसमें। हाँ, है ना, और जब ये उतरते हुए इतने प्यार से उतर जाती है। हाँ, मतलब मक्खन की सरूर बनाते हुए बटरिस्टा टेस्ट देते हुए और बिल्कुल नीचे विलियम लॉसन फ्लेवर तो है। हाँ, मजेदार एंजॉय करने वाले फ्लेवर है इसके। ये ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा उखड़ी उखड़ी आपके लगेगी। हाँ, आप इसको एंजॉय कर पाओगे, एक एक फ्लेवर के नोट्स को एंजॉय करोगे और वो जो वो नीचे उतरेगी तब भी आपको मजा आएगा। और जब आपके पूरा पैलेट में नीचे ले जाती है ना सारे फ्लेवर देने के बाद, फिर आता है हल्का सा ओकेनेस वाला फ्लेवर। भाई भाई, मजेदार मजेदार। चलो 100 पर। अब इस जगह मैं कहूंगा उसके अंदर फ्लेवर्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्कॉच दे रखी है ना 100 पाइपर ने, उसके जो फ्लेवर आ रहे हैं ना बटरिस्टा और जो हनी वाला जो फ्लेवर्स आ रहे हैं, ओए होए मजेदार है यार वो भी। और प्लस ना इसका एक फिनिश है, थोड़ा सा स्मोकी फिनिश है। हाँ, और इसके कंपैरिजन में पता भी चलता है। हाँ, इसमें नहीं है उतना
बट इसमें पता चलता है 100 पेपर्स में, मतलब कि दोनों की ना हमारा नोजिंग भी अलग है और दोनों का मतलब फ्लेवर भी अलग है, बिल्कुल दोनों अलग ही है मतलब है। बट एक नॉच फिर भी मेरे को विलियम लॉसन बेटर लगी नीट के तौर पे, जब वो मुंह में रखते हैं ना तो फील विलियम लॉसन का बेटर है यहाँ पे। इसका है बट उतना वो नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग कह लो या फिर विलियम लॉसन के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी मेलो है नोजिंग में भी टेस्ट में भी, मेरे को ऐसा फील हुआ। मैं थोड़ा अलग हूँ, मेरे को ना नोजिंग में विलियम लॉसन ज्यादा बेटर लगी है, लेकिन टेस्ट में जो मेरा है मेरे को 100 पेपर ज्यादा बेटर लगी है मेरे को टेस्ट में, क्योंकि बिल्कुल लाइट है, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है। ओकिन ऐसे स्कॉच, जितनी भी स्कॉच इसके अंदर डाली हुई है, स्कॉच डाली हुई 100 पेपर के अंदर, वो जो टेस्ट दे रही है ना भाई, वो अमेजिंग है। मेरे को तो टेस्ट में अच्छी लगी, नोजिंग में वो अच्छी लगी है। ऑर्डर एड ले, अब स्टार्ट करेंगे 100 पाइपर से, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, 100 पाइपर्स, कलर और थोड़ा मेलो हो गया है और अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत। ठीक है, बोल दे तारीफ कर दे कि भाई 100 पाइपर कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो नोजिंग। वही हनी कैरमल और अब पानी डाल दिया तो थोड़ा सा आपको इसमें ओकीनेस और थोड़ा सा आपको स्मोकी इफेक्ट थोड़ा सा फील हो जाएगा, फील हो जाएगा। मतलब कि नाक के बाद आती है ना, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब स्कॉच अभी है ना, बिल्कुल नाक के बाद बॉडी इफेक्ट है अच्छा खासा। चलो टेस्ट करें। बहुत ज्यादा मेलो, मतलब पता ही नहीं चला गले से कब उतर गई। ठीक है, जैसे मैंने रिव्यू के टाइम पे भी बताया था, इसमें ना पानी मिलाने के बाद एक वुडी इफेक्ट कह लो, स्मोकी इफेक्ट कह लो, थोड़ा सा ओकीनेस कह लो, वो है, वो फील होता है पानी डालने के बाद, फील होता है। और बाकी जो फ्लेवर हैं पानी डालने के बाद मेरे हिसाब से मेलो हो जाते हैं, हो जाते हैं, काफी मेलो हो गए हैं, काफी मेलो हो जाते हैं, बट हाँ वुडी इफेक्ट प्रोमिनेंट तौर पर यहाँ पे इसमें दिखता है। चलो ये ट्राई करते हैं। चलो ये मत कहा करो, बोला करो विलियम लॉसन। My bad. मैंने कहा ना नोजिंग इसकी ना जब नीट थी ना तो ज्यादा बेटर थी, इसका वाटर एड करने के बाद इसकी नोजिंग थोड़ी सी ना डाउन हो गई है, ऐसे मेरे को लग रहा है। ओकीनेस थोड़ा सा इसमें अब झलक रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं इसका फ्रूटियर फ्लोरल जो इफेक्ट है ना वो एक नॉच डाउन आया है। नटीनेस अभी भी है। हाँ वो तो है। तो वही है, पानी मिलाओगे थोड़ा बहुत तो डाउन आएगा ही, तो वो हुआ है, एक नॉच डाउन हो गई है। चलो चीयर्स। स्मूथ तो है, देखो अगेन ये भी गले से उतर गई, पता नहीं चला। मुंह में थोड़ा सा नटी फ्लेवर है। हाँ, ओकीनेस वुडीनेस इसमें आपको ज्यादा फील होगा नहीं, ज्यादा फील बिल्कुल होने वाला नहीं है। ठीक है, जितना आपको उसमें फील हो जाएगा इसमें नहीं होगा। मतलब फ्रूटी स्कॉच है, मतलब ये प्रॉपर फ्रूटी स्कॉच समझ लो आपको, फ्रूटी फ्लावरी, एक ट्रॉपिकल टाइप, थोड़ा ट्रॉपिकल टाइप है। ठीक है, फ्लेवर वाइज अगर आपको थोड़ा इस टाइप की पसंद है, अगर आप ज्यादा स्मोक पसंद नहीं करते हो या फिर स्मोक अगर आपको अपनी विस्की में चाहिए ही नहीं, ठीक है, नटी फ्लोरल फ्रूटी अगर चाहिए तो अगेन अच्छी है, कॉम्प्लेक्सिटीज अच्छी हैं, एक के बाद एक आपको पता चलती चली जाती है। ठीक है, एक दो नॉच मेरे को देखा जाए तो है यार, देखो 100 पाइपर से तो ऊपर है, देखो एक पायदान। भाई मैं कहूँगा वाटर ऐड के साथ मैं उसको लूंगा और विदाउट वाटर मैं 100 पाइपर लूंगा। भाई 100 पाइपर्स बनाई मेरे को लग रहा है इस मकसद के साथ है कि भाई उसमें पानी ना ऐड की जाए, ज्यादा जल्दी लोग बोतल खत्म करें और ज्यादा जल्दी नई बोतल खरीदें। मैं कह रहा हूँ अगर वो ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, आइस क्यूब ऐड करनी है तो भाई वो है, अगर नीट के साथ बिल्कुल तो ही नीट पीनी है ना तो आप 100 पाइपर बिना किसी दिक्कत के पी सकते हो, ज्यादा बेटर है। तो ये था मेरा ओपिनियन, होपफुली कि आपका भी ओपिनियन क्या हो, आप भी दोनों लाके कंपैरिजन करो अपने घर पे और हमें बताना कि आपको दोनों के कंपैरिजन में क्या अलग लगा जो हमने नहीं बताया आपको। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखो मेरा जो पर्सनल है वो ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी आपको विलियम लॉसन में मिलेगी। ठीक है, स्मूथनेस मिलेगी, मेच्योरनेस मिलेगी इसमें, मेच्योरनेस आपको उसमें भी मिलेगी, अच्छे से मेच्योर्ड है 100 पाइपर्स। स्मूथनेस अगेन वो भी काफ़ी, वो तो मतलब बिल्कुल ऐसी है मक्खन की तरह गले से उतर जाती है चाहे कैसे भी पी लो उसको। और उसके अलावा थोड़ी सी ओकीनेस उसमें फील होती है, इसमें नहीं फील होती है। पानी मिला दोगे तो थोड़ी और ज़्यादा फील हो जाएगी, इसमें तो बिल्कुल जो बची बची थी वो भी खत्म हो जाएगी। और वो मेलो है
आपके नीट में भी, ये नीट पियोगे तो एक नॉच ऊपर है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील होती है। जब ये आप इसमें पानी मिला लोगे तो ये एक नॉच नीचे आ जाएगी, आप इसको और एंजॉय कर पाओगे। उसमें पानी मिला लोगे तो वो बिल्कुल ही ब्लैंड हो जाती है, टू बी वेरी ओनेस्ट, है ना। मतलब रवि कहना चाह रहा है कि मेरे को विलियम लॉसन अच्छी लगी और मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे को 100 अच्छी लगी, बस बात खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। तो चलो कहानी खत्म करते हैं, आगे के वीडियोस के बारे में सोचनी है, बातचीत करनी है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सी लड़ाई कराने वाले जो कंपैरिजन वाले हैं आप हमें सेशन देते रहिए ताकि हमारी लड़ाई बरकरार बनी रहे। बिल्कुल मजा आता है, बड़ा मजा आता है वाली लड़ाइयां करने में, बोतल खत्म हो जाती है। हां, लड़ाइयां बोतल खत्म हो जाती है, तो ऐसी लड़ाइयां हमें बहुत पसंद है। तो ऐसी लड़ाइयों के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करिए, हमारे चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करो ताकि हम और लड़ाइयां करते रहे आपके लिए। बिल्कुल, तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। फिर से मिलेंगे एक नए चैलेंज के साथ, एक नए कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से, राहुल की तरफ से और लाइव दोगुना की तरफ से, विलियम लॉसन एंड 100 बाय पाइपर्स वाला चेयर्स।